हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बड़ी होंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक तरफ है भाई हम लोगों का इंडियन कार्स का कलेक्शन एंड भाई ऑल टाइप्स कार वगैरह आप लोग देख ही सकते हो। एंड पाकिस्तान की तरफ से भी भाई यहां पर हम लोगों का कार्स वगैरह है, ट्रक भी है गाइस, बस भी है एंड यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक ट्रैक्टर भाई सब कुछ है। एंड भाई आप लोगों ने थंबनेल पे तो रैम भाई देखकर समझ ही चुके होंगे आज का गेम प्ले भाई सब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होने वाली है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इधर पे हम लोगों का जो कि रैम्प है भाई, रैम पे भाई एकदम फुल स्पीड में जाना पड़ेगा। एंड भाई डीप डीप वाटर है गाइज, आप लोग देख सकते हो जो वाटर लेवल है ना भाई बहुत ही ज़्यादा है भाई। तो ये सब वाटर लेवल को क्रॉस करके गाइज हम लोगों को आगे की तरफ जाना पड़ेगा। एंड गाइज ये है हम लोगों का फिनिशिंग पॉइंट, बस इधर तक आना पड़ेगा। जो गाड़ी इधर तक आ जाएगा गाइज वो गाड़ी विनर लिस्ट पर आ जाएगा। तो यार यहाँ पर तो डीप वाटर चैलेंज होने वाली है, फिलहाल देखते हैं लेते हैं अपना नेक्स्ट इंडियन कार। और तो गाइस अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना महिंद्रा थार 2021 मॉडल। तो गाइस फटाफट अपने थार को लेकर चलते हैं, देख लेते हैं भाई थार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फुल पावर गाइस यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हम लोगों को गाइस एंड पॉइंट तक जाना है एंड भाई फुल स्पीड में ले चलेंगे। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम फुल पावर गाइस, फुल पावर लगा दिया हम लोगों ने भाई पानी को चीरते हुए भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई। थार तो थाड़ी है गाइस, जो तो आप लोग भी मानोगे। एंड देखो भाई साहब एक जंप पे ही हम लोग किधर तक आ चुके हैं। चलो कोई नहीं, होता रहता है, एकदम भाई फुल पावर। टॉर्क का भी कमाल गाइस आप लोग देख ही सकते हो, टॉर्क भी इसके अंदर ना बहुत ही तगड़ा वाला है। फिलहाल गाइस इधर से भी देख लेते हैं, इधर पर थोड़ा और डीप पानी मिलेगा हम लोगों को। ये देखो गाइस, लेकिन इधर से भी गाड़ी हम लोगों का एकदम स्मूथ तरीके से क्रॉस हो चुका है फाइनली। तो इधर पे भी हम लोग फुल स्पीड ले चलेंगे एंड देखेंगे बॉयज। ओके चलो 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 भाई साहब इधर से भी निकल गया है, मतलब स्मूथ निकल रहा है भाई। थार के लिए भाई कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है, फिलहाल लास्ट हम लोगों का है भाई। एंड देख लेते हैं इधर पर भी भाई अच्छा खासा ही पानी है। एंड भाई मज़ा आ गया यार, थार को चलाने का फीलिंग ही अलग है भाई। तो फटाफट हम लोग अपने थार को कर देंगे इधर पे गाइस पार्क एंड लेंगे अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। और तो बस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी जीप जो कि अपने पास है बीजे 40। तो बस फटाफट अपने बीजे 40 को भी ले चलते हैं, देख लेते हैं बीजे 40 का परफॉर्मेंस इस खतरनाक वाले रैंप पर कैसा रहता है। मुझे तो लगता है भाई ये भी क्रॉस कर ही जाएगा, क्योंकि ये भी हम लोगों का एक जीप ही है थार की तरह। एंड भाई थार का तो भाई कोई मतलब जवाब ही नहीं है भाई, अलग ही लेवल पर भाई चलता है, फीलिंग्स आता है भाई इस गाड़ी को चलाने के बाद। एंड इधर पे भाई बहुत ही ज़्यादा पानी था, लेकिन भाई साहब ये तो एकदम पानी को पूरा चीर के भाई निकल गया, मतलब इतना अच्छा खासा तरीके से निकला है भाई। एंड इसका सस्पेंशन भी भाई मस्त सा है फिलहाल यहाँ पर। ओ हो गाड़ी भाई डिसबैलेंस हो रही है, चलो कोई नहीं, कंट्रोलिंग भी सही है भाई अपना बीजा 40 का। ओके लेट्स गो। एंड ऊपर से भाई कितना बड़ा प्लेन जा रही है, चलो 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 भाई बस गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, गाड़ी बंद। ओ भाई साहब मान गया भाई, बीजे 40 को भी मैंने मान गया भाई, अच्छा खासा गाड़ी है भाई, तगड़ा वाला गाड़ी है। चलो इसको भी फटाफट एकदम। ओके भाई मान गया यार, सच में यार मज़ा आ गया, मुझे लगा नहीं था भाई इतना भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, लेकिन चलो यार बहुत ही सही परफॉर्म किया। तो इसको भी अभी हम लोग कर देंगे यहाँ पर पार्क एंड लेंगे गाइज अपना नेक्स्ट कोई। और तो वाइज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपने इंडियन जंपिंग की कार जो कि अपने पास है एमजी क्लस्टर। फुल पावर भाई एक ही जंप पे भाई साहब, एक ही जंप पे, मुझे लगा नहीं था भाई इतना भी तगड़ा जंप ले लेगा, लेकिन 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 भाई साहब गिरना नहीं चाहिए भाई साहब, अलग ही लेवल पे है। चलो 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 इधर पे भी भाई ये तो जंप करते करते जा रही है। ओके ओके बस ए गाड़ी एक भाई गिरेगा, एक गिरेगा अभी, ए अभी गिरेगा, अरे बाबा। और तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा अपना एमजी क्लस्टर तो भाई गिर गया था, फिलहाल मजा आ रहा था डायरेक्टर भाई उतना स्पीड से मिले चल रहा था। फिलहाल कोई नहीं, अभी भाई अपना लास्ट अटेम्प्ट था एंड फाइनली एमजी क्लस्टर इधर पी विनर लिस्ट पे आ चुका है। तो भाई फटाफट हैंड ब्रेक लगा लो भाई साहब, हैंड ब्रेक मस्त है भाई साहब। तो इसको भी अभी कर देंगे हम लोग यहाँ पार्क एंड इंडिया का हो चुका है। चलो 2 पॉइंट अभी तक एक भी गाड़ी फेलियर लिस्ट पर नहीं आया, अभी लेंगे गाइस अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट द बॉयज अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कार जो कि अपने पास है बॉयज अल्फा रोमियो। तो फटाफट अल्फा रोमियो को भी ले चलते हैं। ओके रिलैक्स, ओके फुल पावर गाइज यहाँ पर अपना गाड़ी। इधर से भी भाई साहब क्रॉस कर चुका है भाई अल्फा रोमियो भी, मान गया यार इतना ज़्यादा डीप पानी में भी भाई साहब गाड़ी एकदम स्मूथ तरीके से क्रॉस कर चुका है। फिलहाल इधर पे भी गाड़ी बहुत ही तगड़ा क्रॉस कर गया, नो डाउट गाइज बहुत ही तगड़ा क्रॉस कर रही है अपना हर एक गाड़ी। बस इधर पे भी थोड़ा देख लेते गाइज। ओके बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही गाड़ी है यार, बस इधर पे देख लेते हैं। ओके
चलो 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 भाई साहब, भाई क्या स्मूथ जा रही है अपना अल्फा रोमियो भाई, मान गया इसके अंदर भी ना तगड़ा पावर है गाइस, तगड़ा पावर है नो डाउट। इधर पे पानी का लहर भाई साहब, ओके इधर पे भी निकल चुका है एंड फाइनली गाइस पाकिस्तान का भी हो चुका है। अभी जाके 2 पॉइंट तो इसको भी रखते हैं भाई लोग यहाँ पर एंड लेते अपना नेक्स्ट इंडियन कार। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेके चल रहे अपना इंडियन मॉन्स्टर ट्रक। तो बस ओ ओ ओके भाई, मॉन्स्टर ट्रक होने के बाद भी देखो भाई थोड़ा सा लड़ने की वजह से ही गाड़ी एकदम से उछल गया, चलो कोई नहीं। एंड भाई इन गाड़ी का भाई सस्पेंशन तो वैसे रियल लाइफ में बहुत अच्छा होता है लेकिन गेम में भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, गाड़ी मेंढक की तरह कूद जाता है। चलो हैंड ब्रेक लेना पड़ेगा, इधर से भी फुल पावर जंप देना पड़ेगा नहीं तो हम लोगों का खेल खलास। ओके बहुत ही सही जा रही है, इधर पे भी देख लेते हैं। ओके थोड़ा स्लो डाउन होना है हम लोगों को। ओके सही है बस एकदम प्रॉपर स्पीड में जाना है। चलो ओके इधर से भी एकदम से भाई मॉन्स्टर ट्रक के लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब इंजन तक भी पानी नहीं जा रहा, बस इसका चक्का भाई डूब रही है उसके वजह से और कुछ हो ही नहीं रहा फिलहाल। इधर पे भी देख लेते हैं, ओके स्मूथ गाइस स्मूथ एंड हम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली गाइस इंडिया का हो चुका है 3 पॉइंट। तो इसको भी कर देते हैं यहाँ पर पार्क एंड लेते हैं बॉयज अपना नेक्स्ट कोई मॉन्स्टर ट्रक, आई मीन पाकिस्तानी मॉन्स्टर। तो बॉयज अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक को ले चल रहे हैं भाई लोग, देख लेते हैं मॉन्स्टर ट्रक का परफॉर्मेंस। फुल पावर इधर पे एकदम से जा रही है, चलो 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 भाई इस वाले मॉन्स्टर ट्रक का सस्पेंशन उस वाले मॉन्स्टर ट्रक से भी घटिया है भाई, ये तो भाई एकदम से उछल जाता है स्प्रिंग का तरह भाई। चलो अभी भाई सही जा रही है भाई, अगर तारीफ करता ना भाई मतलब इसका खेल ख़त्म। चलो 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 बहुत सही एंड इधर पे भी सही जा रही है। ओके स्लो डाउन ब्रो स्लो डाउन, इतना जल्दबाजी नहीं करना है हम लोगों को, रिलैक्स से जाने का, आराम से जाने का, धक्का पुक्की नहीं करने का। एंड इधर पे क्या हम लोग का लास्ट अटेम्प्ट था? नहीं भाई अभी जाके लास्ट अटेम्प्ट आएगा। चलो फुल पावर ये वाला मॉन्स्टर ट्रक भी एकदम इजी तरीके से फिनलिस्ट पे आ चुका है बॉयस, तो इसको भी अभी हम लोग कर देंगे अपने जगह पे पार्ट एंड लेंगे गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन क्राफ्ट। तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना महिंद्रा 1700। तो देख लेते हैं गाइस महिंद्रा का परफॉर्मेंस फुल पावर इधर पे। चलो जल्दबाजी नहीं करना है हम लोगों को, एकदम धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से जाने का। ओके फुल पावर हैंड ब्रेक इधर से भी एकदम रिलैक्स। चलो 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 ओ गया, अब बच गया भाई बच गया। नया मॉडल नया इंजन है ना, नहीं तो भाई ओल्ड मॉडल होता तो भाई शायद से मतलब ये बंद हो जाता, लेकिन भाई चल तो सही रही है भाई, मान गया भाई अभी तक एक भी गाड़ी फेलियर लिस्ट पे नहीं आया, मान गया भाई साहब मान गया भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। लो गया नहीं बच गया भाई साहब, क्या ही खींच रही अपना गाड़ी, मतलब तगड़ा जा रही है भाई। चलो इधर से भी फुल पावर भाई, ओ भाई साहब फाइनली विनलिस्ट पे हम लोग आ चुके हैं एंड भाई जा करते हैं पार्क। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी टोयोटा फॉर्चूनर। तो बॉयज देख लेते हैं अपना फॉर्चूनर का परफॉर्मेंस। ओके फुल पावर गाइस एंड 2 गियर पे भाई 60 के स्पीड में अपना गाड़ी भाई, 5th गियर पे 200 एंड ओके हैंड ब्रेक खैर हम लोगों ने लगा दिया है। इधर पे तो भाई मतलब टॉप एंड हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। ओके परफेक्ट गाइस एकदम भी परफेक्ट जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो 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 इसके बाद और एक हम लोगों का है, देन हम लोगों का ओ भाई साहब बहुत ही सही निकल रही है भाई, बहुत ही सही निकल रही है, लगा नहीं था भाई इतना भी सही निकले पाएगा, फिर भी गाइस आप लोग देख सकते हो इधर से भी गाड़ी सही निकल गया भाई साहब। गाड़ी का कंट्रोल थोड़ा बिगड़ चुका है, मतलब गाड़ी इधर उधर हो रही है थोड़ा बहुत। चलो 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 एक्सेल वगैरह बेंड हो चुका है शायद। ये देखो गाइस आप लोगों ने देखा भाई खुद ब खुद हुआ ये। ऑलराइट तो भाई जब भी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं अपना इंडियन ट्रैक्टर एंड भाई देख लेते हैं भाई इंडियन ट्रैक्टर भाई पानी में बहुत ही सही क्रॉस कर जाती है, लेकिन अगर ट्रैक्टर भाई पलट जाएगा एंड इंजन बंद हो जाएगा तो भाई वो फेलियर लिस्ट पर आ जाएगा। फिलहाल लेकर चलते एकदम सही तरीके से। ओके भाई साहब क्या निकल रही है बाबा,
ओके चलो 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 भाई ट्रैक्टर देखना भाई बस पानी में ए देखो मक्खन की तरह निकल गया भाई सब अलग ही ट्रैक्टर तो अलग ही चीज़ है। इधर पे भी फुल पावर गाइस लगा दिया हम लोगों ने एंड देख लेते हैं। ओके बहुत ही सुंदर मज़ा आ गया एंड ये जो मज़ा आया भाई मैं हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओ, 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 ओके लेट्स गो। इधर पे भी पानी का लहर भाई साहब भाई कुछ ज़्यादा ही लहर था भाई ये तो भाई पूरा फेलियर लिस्ट पर आ गया कुछ ज़्यादा ही लहर था एंड भाई पूरा धक्का मार के नीचे गिरा दिया। आप लोगों ने देखा भाई अपना इंडियन ट्रैक्टर तो भाई फेलियर लिस्ट पर आ गया अभी देखते हैं पाकिस्तानी ट्रैक्टर कर पाएगा या नहीं भाई पूरा भाई पलट गया था ट्रैक्टर एंड देख लेते हैं भाई पाकिस्तानी ट्रैक्टर का भी परफॉर्मेंस। ओके हैंड ब्रेक लेट्स गो बहुत सही भाई पानी का लेयर भी बहुत ही तगड़ा आ रहा था उस टाइम पे मतलब एकदम से झटका दिया पानी ने। चलो फुल भाई व्हीली नहीं हो रहा। ओके भाई क्या ही निकला है चल भाई चल ओ, 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 ओके इस वाले पे ही मैं आई थिंक गिर गया था हाँ इस वाले पे ही वो देखो भाई लो ये खुद गया भाई इससे रिट्राई देना चाहिए या नहीं चाहिए मुझे नहीं पता लेकिन खैर इंडियन ट्रैक्टर भी ऐसे ही गिर गया था तो भाई उसे रिट्राई तो हम लोगों ने दिया नहीं तो इसे भी रिट्राई नहीं दिया। तो भाई जब हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं अपना महिंद्रा XUV N तो भाई फटाफट अपने XUV N को भी लेकर चलते हैं। XUV क्या यार Scorpio N भाई मैं भी ना XUV कैसे बोल सकता हूँ मैं इसे कैसे भाई कैसे चलो भाई इसे कहते हैं टॉर्क का कमाल भाई अलग ही टॉर्क है इसके अंदर। ये लो सीधा है पानी में ही गिरेगा एंड भाई निकलना पड़ेगा भाई नहीं तो बच गया रे बाबा। चलो इधर पे भी थोड़ा स्लो हो जाता है भाई एकदम परफेक्ट तरीके से ही चलते हैं यार उछल उछल के जाने का कोई ज़रूरत है नहीं खैर। चलो बहुत ही सही गाइस ओके इधर पे भाई साहब सुंदर ओ नो ओके बंद हो गया नहीं भाई मतलब नहीं हुआ सही जा रही है गाइस मतलब स्कॉर्पियो इन में भाई मज़ा तो है गाइस मज़ा तो है भाई मानना पड़ेगा। देखो भाई टॉर्क देख रही हो भाई जहाँ पर गाड़ी गिर रही है उधर से ही गाड़ी एकदम से आगे की तरफ जा रही है इतना भाई मतलब चढ़ाई है फिर भी मतलब आप लोग भी समझ सकते हो कितना अच्छा खासा टॉर्क है इस गाड़ी के अंदर। फिलहाल इंडिया का हो चुका है गाइस अभी जाके 5 पॉइंट तो रखते हैं भाई इसे लेते हैं अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट तो भाई जब भी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी जब किंग कार जो कि अपने पास है गाइस आउटलैंडर तो बॉयज देख लेते हैं आउटलैंडर का परफॉर्मेंस। फिलहाल गया भाई ये तो गया नहीं बजिया ओ ओ ओ पानी में ही गिरेगा निकालना पड़ेगा ओके निकल गया ऑन है ना हाँ भाई ऑन तो है भाई साहब मुझे लगा नहीं था भाई निकलेगा ये। इधर पे भी और एक बार जंप हो ही जाते हैं भाई चलो कर ही लेते हैं भाई क्या ही है भाई एक ही जिंदगी है भाई मौज कटनी है बस। चलो निकल गया ऑन है ना हाँ भाई परफेक्ट लैंडिंग ब्रो। चलो अभी नहीं करना हो गया जितना करना था जितना हो गया अभी भाई एकदम सिंपल से मुझे अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। एलो एके ओके भाई इंडिया का भी 5 पॉइंट्स पाकिस्तान का भी गाइस 5 पॉइंट हो चुका है दोनों कंट्री का गाइस सेम पॉइंट हो चुका है तो इसको भी अभी हम लोग कर देंगे गाइस इधर पे पार्क लेंगे गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन ट्रक। और तो भाई अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं अपना इंडियन ट्रक को तो जो कि अपना लॉरी बोलते हैं भाई साहब अशोक लीलैंड का। एंड भाई ये भाई मोड़ नहीं रहा ठीक से डिसबैलेंस हो रही है अभी से ही डिसबैलेंस क्यों। चलो फुल पावर गाइस यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने ओके परफेक्ट ब्रो। चलो इधर पे भी देखना है एकदम बराबर चलना है गाइस हम लोगों को फुल पावर गाइस। ओ भाई साहब ट्रक के अंदर पावर तो है बॉस बहुत ही तगड़ा अच्छा खासा पावर है। इधर पे भी देख लेते हैं ओके फुल सिस्टम ऑन गाइस तगड़ा गाड़ी अपना गाड़ी इधर पे भी देख लेते हैं बहुत ही सुंदर गाइस ओके परफेक्ट ब्रो। चलो सही जा रही है भाई सही जा रही है
भाई इतना हेवी ट्रक होने के बाद भी भाई आप लोग समझ सकते हो कितना सुंदर तरीके से निकल रही है, मतलब इंडियन ट्रक के अंदर पावर तो है भाई। चलो फाइनली बॉयज हम लोग बिना लिस्ट पे आ चुके हैं, इंडिया का हो चुका है। अभी जाके कितना पॉइंट हो गया भाई, 5 एंड इसको लेके हाँ 6 पॉइंट हो चुका है। तो इसको यहाँ पर रखते गाइस, लेते हैं अपना पाकिस्तानी ट्रक। तो बॉयज अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी ट्रक, तो गाइस फटाफट लेके चलते भाई, देख लेते हैं इस वाले ट्रक का परफॉर्मेंस। फिलहाल ये थोड़ा छोटा है भाई, कंट्रोल करने में भी थोड़ा इजी हो जाता है। एंड भाई देख रहे हो साउंड पूरा भाई एकदम रियल लाइफ ट्रक के जैसा ही है, मतलब कोई फेक वगैरह नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट भाई नॉस्टैल्जिक साउंड भाई। चलो 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 भाई, इसका डंपर भाई इतना खाली क्यों है भाई, पानी वगैरह आ जाएगा डंपर। ओ ओ ओ ओ ओके, पानी नहीं लेना है भाई, हमें जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। एक गियर दो गियर थर्ड गियर ले ले, थर्ड गियर नहीं ले रहा भाई, ये तो सेकंड गियर पे ही चलता है क्या गाड़ी, नहीं हाँ फोर्थ गियर ही है भाई इसके अंदर। यार आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताओ यार कौन सा पाकिस्तानी ट्रक ऐड करना है, कुछ नाम वगैरह बताओ यार, कुछ नाम तो होगा ट्रक वगैरह का, तब मैं ऐड कर लूँगा। ओके गाइस, एंड इधर पे भी अपना गाड़ी फाइनली 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 बहुत ही सही परफॉर्म करते करते लास्ट है भाई साहब, देख सकते हो। ओ ओ ओ ओ ओके, फुल पावर इधर पे भी गाड़ी अपना। ओ भाई कैसे डिसबैलेंस हुआ आप लोगों ने देखा भाई, आप लोग मतलब एक बार ध्यान से देखना, मतलब अलग ही सीन पे डिसबैलेंस हुआ गाड़ी। चलो पाकिस्तान का भी गाइस 6 पॉइंट हो चुका है, इसको भी यहाँ पर रख देंगे और लेंगे अपना लास्ट इंडियन। तो भाई अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं अपना महिंद्रा XUV। XUV क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं स्कॉर्पियो को बार बार XUV कैसे बोल सकता हूँ, बार बार XUV बोल जा रहा हूँ भाई, मतलब इतना पसंद आ गया क्या मुझे, मुझे तो भाई स्कॉर्पियो N बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे देखो शेर का बच्चा भाई इसका, ओह भाई अलग ही सीन, चल चल भाई इसका इंजन बंद हो चुका है, थोड़ा सा जान बचा है इसके अंदर, गया पूरा बंद हो गया भाई साहब। क्यों 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 यार स्कॉर्पियो XUV हम लोगों का शेर का बच्चा बंद हो गया, इसे भाई रखते हैं साइड करते हैं, लेते हैं अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी। तो भाई अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी भाई मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी जो कि टोयोटा लैंड क्रूजर है भाई साहब। बहुत ही महंगाई है इस गाड़ी का भाई, मतलब भाई कोई कोई बोल रहे हैं 5 करोड़, कोई बोल रहे हैं 10 करोड़, कोई बोल रहे हैं 15 करोड़, भाई साहब इतना महंगा कैसे भाई इतना महंगा होता भाई, इंडिया में तो इतना महंगा नहीं आता है शायद से भाई, इंडिया में 2 करोड़ 1.5 करोड़ में आ जाता है ये गाड़ी, लेकिन भाई पाकिस्तानी में इतना ज़्यादा भाई साहब अलग ही लेवल पे है भाई। चलो इस साइड से मैं चलता हूँ भाई, इस साइड से जाने में मुझे पसंद है। ओके बहुत ही सुंदर, ओके रुको जरा सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से जाने का, जस्ट जाऊँ। ओके चलो हम लोग आई थिंक बिना लिस्ट पे, ओ ओ ओ नहीं भाई ये लास्ट है। चलो फुल पावर ROKEL, एंड फाइनली गाइस यहाँ पर हम लोग बिना लिस्ट पे आ चुके हैं। तो बॉयज अपने इस गाड़ी को भी कर देते हैं पार्क, एंड लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी, अभी भी जगह है ना, हाँ भाई जगह तो है भाई साहब जगह तो। अरे भाई मैं इधर क्यों पार्क कर रहा हूँ भाई, अलग ही नशा, इधर पे पार्क करना है। चलो 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 इसे भी रखते गाइस, एंड लेते अपना लास्ट इंडियन बस। एंड गाइज मैं अभी इंडियन बस ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडियन बस में भाई कुछ तो दिक्कत हो चुका है भाई, उसके कारण गाड़ी आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं इंजन वगैरह सीज हो गया, तो मैंने इंडियन एंड पाकिस्तान बस दोनों को ही भाई भेज दिया गैरेज पे। तो भाई आज के लिए वीडियो से भी इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो, वैसे आप लोगों ने देख ही लिया है भाई साहब अपना इंडिया हार चुका है 1 पॉइंट से पीछे, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो S11 हार गया था। तो हारना जिंदा लगे रहता है भाई, दिल पर कोई भी मत लेना, SF एक गेम है, रियल लाइफ से कोई भी मत लेना, कंपेयर मत करना। तो गाइस आज के लिए वीडियो से इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में, तो टाटा एंड बाय बाय बॉयज़।